हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निटिंग पैशन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये प्यारी सी बेबी स्लिपर। सो फ्रेंड्स, ये मैंने जो स्लिपर बनाया है ये है 2 ढाई 3 साल तक के बेबी को ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने देखी फ्रेंड्स, ये हम मैंने इसमें जो वूल ली है वो 3 प्लाई वूल ली हुई है और इसको मैंने 9 नंबर की नीडल्स पे बनाया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे इस पे भी डिपेंड करता है कि ये थ्रेड कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं और नीडल, तो उसी हिसाब से हमारे फंदे जो हैं वो कम ज़्यादा किए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये मैंने 9 नंबर की नीडल पर बनाया है और ये 3 साल तक की बेबी गर्ल को बहुत अच्छे से आ जाएगा। और देखिए, कई बार क्या होता है ना, बच्चों के साइज़ पे भी डिपेंड करता है। कई बच्चों का जो एज के अकॉर्डिंग उनके पाँव का जो साइज़ है वो बड़ा या फिर छोटा भी हो सकता है, तो उस हिसाब से फंदे डालने पड़ते हैं। तो मैंने इसमें डाले हैं 32 फंदे। और अगर आप देखिए कोई छोटे साइज़ का बनाना है, जैसे आपको 1-1.5 साल की बेबी का बनाना है ना, तो आप उसमें डालिएगा 28 फंदे, ठीक है। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो चलिए हम ये स्लिपर बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये बो भी लगाया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो ये बो ना भी लगाएं तब भी ये बहुत अच्छा लगता है। इसकी जगह आप कोई बटन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई फ्लावर भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाला स्लीपर बनाने के लिए मैंने जो है वो 32 फंदे जो हैं वो कास्ट ऑन किए हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए 32 फंदे हमने सिंपल वाले बनाए हैं, फिर हमने दोनों साइड से सीधा सीधा बना के हमने 20 रोज सीधी सीधी बनाई है, ताकि हमारे पास ये गार्टर स्टिचेस की हमारे पास 10 रिजेज हो जाएं। तो ये 10 ही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड ये वाली जो लास्ट है ये है 10th। तो इस तरह से आपने बना लेना है, बिल्कुल सिंपल है ये। तो ये सिंपल वाले फंदे हमने कास्ट ऑन करने हैं और हमें ये जो है ये 20 रोज सीधी सीधी बना लेनी है, ठीक है। तो इसके आगे मैं बताती हूँ हमने क्या करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है हमारे पास टोटल 32 स्टिचेस। देखिए, आप अपने बच्चे के हिसाब से, जैसे अपने बड़े बच्चे के बनाना है तो आप अपने बेबी का जो पाँव है ना उसको आप इंची टेप से नाप लीजिए, उस हिसाब से फिर फंदे डालिए। तो ये तो 2.5-3 साल के बेबी का है, तो इसमें 32 इनफ है। और क्योंकि इसको मैं 9 नंबर की नीडल पर बना रही हूँ, अगर आप इसको पतले वाले धागे में बनाओगे तो फिर उसके लिए आपको फंदे जो हैं वो 2 या फिर 4 जो हैं वो एक्स्ट्रा जो हैं वो कास्ट ऑन करने पड़ेंगे। तो अगर आप 9 नंबर की नीडल पे बना रहे हो, मोटी वाली, ये 3 प्लाई वाली है ये मोटी वाली, तो इसमें 32 फंदे जो हैं वो 2.5-3 साल के बच्चे के लिए काफ़ी हैं। तो देखिए, अब हमने क्या करना है, 32 हैं तो 32 का हाफ हुआ 16, तो हमने यहाँ पर 16 फंदे जो हैं वो वाइंड ऑफ कर देने हैं। देखिए कैसे सिंपल वाले 16 फंदे हमने बंद कर देने यहाँ से, ये वाइंड ऑफ 1, 2, 3, 4, इस तरह से हमने 16 फंदे जो हैं वो वाइंड ऑफ करने हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने 16 फंदे जो हैं वो वाइंड ऑफ कर दिए, ये अब हमारे पास टोटल बचे हैं 16। तो देखिए, यहाँ पे हमने क्या करना है, ये पहला फंदा तो हमारा ये सीधा ही है रहेगा, सीधा ही है, ये हमारा एज स्टिच है। फिर हम धागा आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे, और इसको हम सीधे से ऐसे उतार लेंगे बिना बुने। फिर धागा आगे, एक उल्टा, धागा पीछे, इसको ऐसे उतार लेंगे बिना बुने सीधा। फिर एक उल्टा, फिर धागा पीछे, सीधा ऐसे उतार लेंगे हम। ये इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। फिर देखिए, ये धागा आगे, धागा ये एक फंदा उल्टा, फिर ये सीधा ऐसे उतार लिया बिना बुने, फिर एक उल्टा, फिर इसको सीधा उतार लिया, फिर एक उल्टा। और अब देखिए, ये वाला फंदा हमने सीधा ऐसे उतार लिया, लेकिन हम एज स्टिच को भी हम सीधा ही बनाएंगे। तो ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब देखिए, सेकंड रो में हमने क्या करना है, ये वाला तो हमने उल्टा उतारना है, तो ये हमारा सीधा था दूसरी साइड बिना बुने, इसको हम उल्टा बुनेंगे और दूसरे को सीधा, एक सीधा, ठीक है। जो बिना बुना हुआ था ना हमने, वो हमारा उल्टा बुना जाएगा, एक सीधा एक उल्टा बेसिकली। तो इस तरह से हम ये रोज जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, एक सीधा और एक उल्टा,
जो पीछे हमारी सीधी सिलाई में जो हमने सीधा बिना बुने उतारा था वो यहाँ वहाँ यहाँ वो उल्टा बुनेंगे, दूसरा वाला हमारा सीधा होगा। तो मैंने आपको ऐसा बॉर्डर भी बताया हुआ है कि हम किस तरह से बनाते हैं, सेम वही है ये। तो हमने इसको इस तरह से बना लेना है, सीधा ये सॉरी उल्टा और ये सीधा और लास्ट स्टिच उल्टा। तो हमारी ये 2 रोज कंप्लीट हो गई हैं। इस तरह से हम 10 रोज और बनाएंगे, हमने ये 12 रोज करनी है। फिर मैं बताती हूँ कि हमने आगे क्या करना है। फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने इसकी 12 रोज जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, वही एक उल्टा और सीधा, सीधी साइड में बिना बुने उतारा था और उल्टी साइड में उसको बुन लिया था, एक सीधा और उल्टा। तो इसकी मैंने 12 रोज जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने 16 फंदे जो है वो कास्ट ऑफ किए थे। अब हमने यहाँ पे 16 फंदे जो है वो कास्ट ऑन करने हैं। यहाँ पे मैं ऐसे सिंपल इस तरीके से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, क्योंकि हमने यहाँ पे ये 16 बंद किए थे। अब हमने 16 फंदे यहाँ पे बना लिए। अब हम इसको, इस वाली नीडल को हम सीधा सीधा बना लेंगे, सॉरी इस वाली रो को। देखिए हम ये सारी रो जो है वो सीधी सीधी बना लेंगे। हमने फिर से देखिए इस तरह का बनाना है, इस तरह के गार्टर स्टिचेस की हमने 10 रिजेस बनानी है यहाँ पे भी। तो फिर ये बहुत ही सिंपल, देखिए ये बूटी बोल लीजिए या इनको स्लीपर्स बोल लीजिए, ये बहुत सिंपल है। इसी तरीके से हम बड़ों के भी ये बना सकते हैं। जैसे ये मैं छोटे बेबी का बना रही हूँ, हम ऐसे बड़ों के लिए, अपने लिए, जैसे एडल्ट के भी बना सकते हैं इसके लिए। इसी देखिए, तो ये हमारी फर्स्ट रो की है। अब फिर हमने वही करना है, उल्टे उल्टे बनाने हैं ये, सॉरी सीधे सीधे बनाने हैं दोनों साइड से। पर ये एज स्टिच तो मैं उल्टा ही उतारूंगी। फिर ये सीधा इस तरह से अब हम 20 रोज जो हैं वो बना लेंगे जो हमारे पास, ताकि हमारे पास ये 10 जो हैं वो गार्टर स्टिचेस की रिजेस हो जाएं। तो चलिए मैं इसको बना लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आगे हमने इसमें क्या करना है। देखिए हम इसको सीधा सीधा ही बनाते जाएंगे, लेकिन रॉन्ग साइड में हमेशा जो हमारा लास्ट फंदा होगा उसको हम उल्टा ही बनाएंगे एज स्टिच को, ताकि एजेस क्लीन आए हमारे। तो चलिए इसकी मैं 20 रोज जो है वो बना लेती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये मेरी जो है वो 10 रिजेस बनी है, मेरी 20 रोज कंप्लीट हो गई है। देखिए ये बराबर हो गया, अब ये देखिए ये बराबर हो गया। अब मैं इनको कास्ट ऑफ कर दूंगी, मैं सारे फंदे जो है वो बंद कर दूंगी। हम सिंपली कास्ट ऑफ कर देंगे। तो चलिए हम इन सारे फंदों को कास्ट ऑफ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने फंदे सारे बंद कर दिए हैं। देखिए ये हमारा बनके तैयार है, अब हम इसको सी लेंगे। अब देखिए उससे पहले हमने क्या करना है, एक हमें धागा लेंगे, इसको हम डबल कर लेंगे। देखिए ये धागा हमने डबल किया, ये हमारी सीधी साइड है। इसको देखिए, ये जो इसके ना यहाँ पे ऐसे सीधे रखेंगे, फिर हम इसको उल्टा कर लेंगे यहाँ देखिए। और हमने इसको
गांठ लगा के थोड़ा ज्यादा टाइट, ना ज्यादा लूज करना इसको, ना ज्यादा टाइट। देखिए इतना सा हमने इसमें, इतना बस हमने इसको इतना करेंगे टाइट, और यहाँ पे हम गांठ लगा देंगे। देखिए इस तरह से इसको हमें इस तरह से देखिए ये कर लेंगे। देखिए हम इसको ये टाइट कर लेंगे, और जो हमारा ये एक्स्ट्रा जो थ्रेड है ना उसको हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए ये इस तरह से, ये इस तरह से आएगा। ये बहुत अच्छा लगता है। आप अगर जैसे मैंने इसमें ये वो लगाया ना, अगर नहीं भी लगाएंगे तब भी ये बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा टाइट भी नहीं करने बट लूज़ भी नहीं रखना है। तो अब हम इसको सिलेंगे, तो हम इसको उल्टा इस तरह से उल्टा कर लेंगे। देखिए हमने कहाँ से सिलना है, ये हम यहाँ से सिलाई करनी है, और यहाँ से भी, और फिर ये वाली जो यहाँ से ये भी सिलाई करनी है। तो मैं इकट्ठे यहाँ से स्टार्ट करूँगी इसको सिलना। तो फ्रेंड्स देखिए ये मैंने नीडल में जो है वो धागा ले लिया, एक साइड मैंने नोट लगा लिया। देखिए हम, आप चाहो तो यहाँ से ऐसे अलग और यहाँ से अलग सिल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से देखिए जो इसका ये बैक है ना, यहाँ से ये जो बैक है यहाँ से स्टार्ट करूँगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको एक साथ सिलेंगे। तो देखिए इसको हम इस तरह से रखेंगे क्योंकि ये हमारा ओपन रहेगा, और हम इसको बिल्कुल सिंपल रॉन्ग साइड से, उल्टी साइड से सिलेंगे, इसको सीधे वाली साइड से नहीं सिलेंगे। देखिए ये यहाँ से ये धागा इधर डाल के ये इसको पहले हम स्टार्टिंग में थोड़ा पक्का कर लेंगे। इसको हमने पक्का कर लिया यहाँ से, एक बार फिर से अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो इसको यहाँ से, और ये इस तरह से। अब हमने इसको ऐसे ही सिलने शुरू करना है यहाँ से। देखिए ये इस तरह से रखेंगे यहाँ से, ये ऐसे। अब हम इसको सिंपल बस इस तरह से ही सिलते जाएंगे। आप चाहें तो इसको राइट साइड से सिल सकते हैं, और ये ऐसे भी अच्छे से सिल जाता है। तो हम इसको इसी तरह से जो है वो हम सिलते जाएंगे। अब फ्रेंड्स मैंने यहाँ से देखिए ये वाला सिल लिया है, अब हम इधर का ये सिलना शुरू करेंगे। तो ये भी सेम वैसे ही सिलेंगे हम। इस तरह से रख के ये बस हम इसको इस तरह से सिलते जाएंगे। इस तरह से हम ये सिलते जाएंगे यहाँ तक। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ से सिल लिया, अब मैं ये यहाँ वाला पोर्शन जो है इसको सिलूंगी। तो देखिए यहाँ से फिर वही वैसे ही सेम वैसे ही सिलूंगी मैं, ये सबसे इजी तरीका है सिलने का। और जो हम जैसे सॉक्स वगैरह बनाते हैं वो ऐसे ही सिलने ठीक रहती है। तो हम इसको मैं कंप्लीट कर लूँगी यहाँ तक। तो फ्रेंड्स देखिए ये मैंने सिल लिया है यहाँ से, देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया सिल के। और अब हमने इसे, इसको मैंने पक्का भी कर दिया है, और अब हम इसको सीधा करेंगे। देखिए ऐसे, देखिए ये हमारा बनके तैयार हो गया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना ये हमारा। अगर हम इसमें बो नहीं भी लगाएंगे ना ये तब भी बहुत प्यारा लगता है। तो इसको मैं अगर अगर आपने ऐसे ही रखना है सिंपल तो ऐसे ही बना सकते हैं। मैंने आपको बोला कि आप बड़ों का भी इस तरह से बना सकते हैं। देखिए ये दो मैंने इसके लिए ये बो पहले से ये बना के रखा है, तो मैं इसमें यहाँ पे ये इस तरह से ये बो जो है वो लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स देखो मैंने इसमें ये बो भी अटैच कर दिया है। तो फ्रेंड्स देखो ये हमारी रेडी हो गए, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।